आप सभी लोगों का नमस्कार है ऑनलाइन वॉरियर्स चैनल पे। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ इंडियन ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अपनी नोटबुक और पेन साथ रखिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके जरूर आप पूछे जाएंगे। इस पूरे प्रेजेंटेशन को डिजाइन किया है केसरी नंद श्रीवास्तव जी ने, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप सबसे अपील करता हूँ अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें। तो शुरुआत करते हैं इंडियन रिवर सिस्टम के, और रिवर सिस्टम की हम बात करते हैं। जब मैं भारतीय नदियों की बात करता हूं तो मेरे लिए बहुत बड़ा जीवन दिखता है क्योंकि आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है जो कहीं ना कहीं इन नदियों के किनारे बसा हुआ है, वो अपने जीवन यापन से चलाता है। और नदियों का बहुत बड़ा रोल है हम तमाम आम भारतीयों के लिए, इसको हम पर्व त्योहार इन सब में बनाते हैं। बड़े बड़े त्योहार होते हैं, बड़े बड़े मेले लगते हैं, बड़े बड़े अगर मैं कहा जाए धर्म के स्थान पे भी उसको माना जाता है। तो भारत के हिसाब से नदियों का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। इन नदियों के जरिए हम पर्व त्योहार तो बनाते ही हैं, इसके साथ साथ हम इसको सिंचाई जिसको हम क्या बोलते हैं इरीगेशन, जी हाँ जिसे हम क्या बोलते हैं इरीगेशन के नाम से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि इरीगेशन क्या होता है। तो आपको दिख रहा होगा कि इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्टेशन, ये तमाम चीजें हैं जैसे हम ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल करते हैं, पावर हाइड्रो पावर जानते हैं। और ये बहुत बड़ा तबका जो है जो कहीं ना कहीं हमारा नदियों से हुआ है। जब मैं बात करता हूं भारत के प्रमुख शहर के बारे में, बहुत सारे शहर के नाम आपने सुने होंगे, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बड़ी नदी के किनारे, किसी नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। मैं दिल्ली की बात करूं तो यमुना पर स्थित है, इलाहाबाद की बात करूं तो संगम नदियों पर स्थित है आपका, हरिद्वार की बात करूं मैं, अगर लखनऊ की बात करूं, कोलकाता की बात करूं मैं, अगर मतलब कई सारे शहर, अहमदाबाद की बात करूं, चेन्नई की बात करूं, तो देश के लगभग बड़े से बड़ा शहर जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी नदियों के किनारे बसा गया। हमारे हमारे जो एशियन हिस्ट्री है जिसको मैं अगर उसको मैं थोड़ा सा अगर लेके चलूं आपको, तो वहां भी आपको चीजें समझ में आएगी कि एशियन हिस्ट्री में भी हमारे जो शहर बसाए गए थे वो नदियों के किनारे खासकर इस पर ध्यान देके बसाए गए थे, क्योंकि नदियां ही थी जो एक तरीके से किसी भी राज्य का, किसी भी शहर का विकास कर सकती थी, उनका माध्यम था। उस नदी किनारे उनको जीवन जीने की एक सामग्री मिलती थी, इसलिए नदियों का एक बहुत बड़ा स्थान देखा गया है हमारे इतिहास में, हमारे इतिहास में उसको बताया गया है, इसलिए ये उन सबके लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आगे बात करते हैं, जैसे हम कह रहे थे आपसे इन सबके साथ, तो जब मैं आगे में बात करता हूं तो वहां पर जो चीजें निकल कर आती हैं वो ये हैं कि इतिहास तो जो बता ही रहा था, इसके साथ साथ जो मैं बताना चाह रहा हूं वो है आपके सामने ये दिया गया मैप। अगर आप इस मैप को देखना चाह रहे हो, ये मैप एक ऐसी जगह है जो कहीं ना कहीं हम सबके लिए एक तरीके से अगर हम इसको बात करें, इस मैप के जरिए आप किसी भी देश की ज्योग्राफी को, उसके भौगोलिक क्षेत्र को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं किसी भी देश के भौगोलिक क्षेत्र को आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि मैप के जरिए ही आप चीजों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि कैसे एक मैप जो है वो देश के ज्योग्राफी को बताता है। मैं अगर एक आपको कहूं कि इस मैप को कुछ टाइम के लिए अपने आंखों के सामने या फिर मैं कहूं अपनी मोबाइल स्क्रीन के सामने होल्ड कर दो, कुछ टाइम के लिए इसको स्टैचू ऑफ मान लो कि भाई ये स्थिर है, इस मैप को ध्यान से देखिए, इस मैप की स्क्रीन को देखिए, क्या कह रहा है ये मैप नदियों के बारे में, ये नदियां जा तो रही हैं, कहां से कहां जा रही हैं। तो अगर आप इस मैप को ध्यान दीजिए तो उस मैप के जरिए, और मैं चाहता हूं उस मैप का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लो
क्योंकि जो उसमें जो दिख रहा है आपको और जो नदियां वहां से वहां जा रही हैं, ये बहुत मदद देंगी आपके पेपर में, एसएससी का हो, स्टेट का पेपर हो, किसी का भी पेपर हो, उन सभी में ये जो मैप मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, उस मैप का उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है। इंपॉर्टेंट रोल है मतलब है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन यहां से आपके आते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये मैप अगर आप देखो, ये मैप में हमें दिख रहा है नदियां, तो मैं सबसे पहले मैं अपने भारत की जो नदियां हैं उनको दो हिस्से में बांटना चाहता हूं। एक जो है जो मेरे लिए नॉर्दर्न रिवर का हिस्सा है और दूसरा पेनिनसुलर रिवर, जिसको मैं बोलूं प्रायद्वीप, जिसको मैं कह सकता हूं, उस हिस्से में मैंने दो नदियों को यहां पर दिखा रहा हूं आपको। जब मैं पहले हिस्से की बात करता हूं, उत्तरी हिस्से की बात करता हूं, जहां पर मुझे इंदस दिख रही है, गंगा दिख रही है, यमुना दिख रही है और ब्रह्मपुत्र दिख रही है। अब आप कहेंगे कि आपने हमको इंदस दिखाया, आपने कहा इंदस नदी। जी हां, ये जो इंदस की जो नदी है, अगर आप थोड़ा सा इस पे गौर फरमाएं, इंदस की जो नदी है इसका जो फ्लो कैसे हो रहा, देखिए ये काराकोरम रेंज, इसको हम क्या बोलते हैं, काराकोरम रेंज बोलते हैं। तो अगर आपने कभी सुना हो काराकोरम रेंज के बारे में, तो ये वो रेंज है जिसके जरिए हम कह सकते हैं कि ले लद्दाख कश्मीर से होते हुए ये हिस्सा पाकिस्तान में होते जाता है। इंदस नदी जो कहा जाता है, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी है, ध्यान से सुनेगा। सिंधु नदी बोलते हैं हिंदी में उसको, हाँ जी सिंधु नदी बोलते हैं हिंदू में। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी है जिसको ये आपको सामने नजर आपके आ रही है। उसके बाद हिमालय की बात करें तो हिमालय में मुझे गंगा दिख रही है, ये गंगा का दिख रहा है आप सबको, ये गंगा का पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये गंगा कैसे फ्लो हो रही है यहाँ पे। तो गंगा, जब मैं गंगा की बात करूं या फिर मैं यमुना की बात करूं, ये तमाम जो नदियां का स्रोत्र जो है वो कहीं ना कहीं आपको दिखा रहा हो कि हिमाचल के जरिए जिसके जरिए हम ये देख सकते हैं कि चीजों को किस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे दिखाया गया। ब्रह्मपुत्र की बात करें, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का भी बात करें तो वो तिब्बत के प्लेटू से होके आती चाइना, फिर उसके नाम अलग अलग है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में नाम अलग है, भारत में नाम अलग है, चाइना में नाम अलग है। तो इन तमाम चीजों पर अगर मैं थोड़ी चर्चा करूं आप सभी से, ताकि आप सभी को क्लियर हो जाए कि क्या क्या चीजें आपको दिख रही है यहाँ पे। क्लियर है सभी को? चलिए अब बात करते हैं आगे, मैप स्टे कर लीजिए। अब देखिए जो पेनिनसुलर रिवर की मैंने बात किया था, तो पेनिनसुलर रिवर में आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी, जैसे मैंने कहा ये जो महानदी दिख रही है, महानदी देखो, महानदी कहाँ जा रही है, ये जा रही है गोदावरी बे ऑफ बंगाल में। मैक्सिमम नदी आपको बे ऑफ बंगाल में मिलेंगी, उनका जो है वो उनका डिस्चार्जिंग पार्ट कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में दिख रहा है। कावेरी कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में है। तो ये बे ऑफ बंगाल की तरफ आपकी नदियां जा रही है, वेस्टर्न कोस्ट, छोटा नागपुर प्लेटू, या मैं कहूं सतपुरा रेंज या विंध्या रेंज, उन सब के बारे में यहां पर चीजें को बताया गया है। चलिए बात करते हैं आगे। जब मैंने कहा इन तमाम चीजों के बारे में, जो आपसे मैं कहना चाह रहा था, कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो पेनिनसुलर रिवर है जो आपके अरेबियन सी में जा रही है, जैसे इंडस है अरेबियन सी, नर्मदा अरेबियन, तापीन अरेबियन, तो ये भी नदियां भी हैं जो अरेबियन सी के जरिए आपके जा रही हैं। आई होप सबको क्लियर होगा यहां तक, किसी को डाउट तो होगा नहीं यहाँ पे। अब मैं जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको शब्दों को समझिएगा, क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने कहा भारत की नदियों को दो हिस्से में बांटा गया है, एक उत्तरी एक पेनिनसुलर। मैं बता चुका हूं क्या क्या होता है, इन सब के बारे में भी आपको सबको क्लियर होगा कि जैसे मैंने कहा ग्लेशियर के जरिए होता है, ये पेनिनसुलर प्लेटू जो उसको पठार बोलते हैं वहां का स्थित है, लेक के जरिए कहीं पे सोत्र बारिश हो रही है, ये जो पेनिनसुलर रिवर जो है ये इनका कुछ सोत्र है, बारिश है, ये रेनफॉल के जरिए होती है। कई सारे छोटी हिल्स में पानी रुक जाता है, उन हिल्स के जरिए पानी आपका आता है, कई सारे हिल्स के जरिए वो पहाड़ों के जरिए वो पानी आपका आता है। वेस्टर्न कोस्ट में क्योंकि बारिश का प्रभाव ज्यादा रहता है तो वहां पे पानी जरिए आती रहती है। तो इनका कोई सोर्स कोई ग्लेशियर या हिमालय नहीं है, ये एक तरीके से कहा जाए ये भी डिपेंडेंट है आपका। तो चर्चा करते हैं नॉर्दर्न रिवर के बारे में, फिर कह रहा हूं मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के लिए मैप उतना ही इंपॉर्टेंट है।
नॉर्दर्न रिवर की बात करें, कहा जाता है कि जब हवा का प्रवाह पश्चिमी हिस्से से, भारत के पश्चिमी हिस्से से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ ऊपर चलता है, तब प्रेशर से वो ही पानी की बूंदे ठंड जो होती हैं, तो वो ग्लेशियर के रूप में दिखेंगी। मेरी बात समझेगा। When the air moves from the western part of India towards the upper direction, Tropic of Cancer or Indian, तो यहां पर वो बूंदे जो है आपको ठंडी बूंदे आपको इसमें नजर आएंगी। जब मैं कहता हूं कि यहाँ पे पेरिनियल, देखिए वर्ड आपका आ रहा है पेरिनियल, पेरिनियल का मतलब होता है बारो मासी, 12 साल। ये 12 साल जो है भारत की नदियां आपको दिखेंगी, नदियां बह रही हैं, इसका कोई ये चलती रहती है, इसका कभी हमने सुना होगा ये नदी सूख गई है या वो है, ये ऐसा कभी आपको सुनने को नहीं लगे। ये 12 मास चलते हैं। इसमें गंगा रिवर है, इंडस रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है और यमुना रिवर है। ये तमाम नदियां हैं जिसमें आप इस चीज को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। आगे बात करता हूं तो जब मैं पेनिनसुला रिवर की बात करता हूं, ये भारत हिमालय रिवर से पुरानी नदियां हैं। सुनिएगा, ड्रेनेज सिस्टम जो है हिमालय से पुराना इनका सिस्टम है। जब मैं बात करता हूं इनके नदियों के बारे में, ये बड़ी बड़ी वैलीज हैं, आपने सुना होगा जबलपुर में, सुना होगा नर्मदा के बारे में, झरने सुने होंगे साउथ में, कावेरी कृष्णा के बारे में सुना होगा, ये कई सारे झरने, पेरियार के बारे में सुना होगा। और जो पश्चिमी हिस्सा है, जो वेस्टर्न कोस्ट है हमारा, वहां पर पानी को डिवाइड किया गया है कई सारी नदियों के बीच से, उसको डिवाइड किया गया है, जिसमें कहा जाता है कि अरेबियन सी के थ्रू हो रहा है या कई सारी चीजें हैं जिसके बारे में आप उसको जानेंगे। नर्मदा, इसमें नदियां कौन कौन सी है, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, आपको दिख रहा होगा कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये तमाम नदियां हैं, इनके अलग ट्रिब्यूटरीज हैं। इस तो हम बात करेंगे कौन कौन सी नदी कहां पर है। मैं फिर कह रहा हूं मैप को आंखों उसमें गड़ा लो, मैप क्वेश्चन तिलका ले, देखो आपको और चीजें निकल कर आएंगे इससे। माउता गंगा, दामोदर, ब्राह्मणी, नर्मदा, साबरमती, देख रहे हो ना, उसके साथ साथ भीमा, कोलेरू लेक कहां पड़ती है, पुलिकट लेक कहां पड़ती है, पेनियार रिवर, पल्लर, कावेरी, बेमंड लेक, ये तमाम, देखो ये जो चीजें है ना, जोगफाल सुना होगा इसके बारे में, तुंगभद्रा नदी ये भी सुना होगा आपने, तो ये चीजें है ना आपके चीजों को एक तरीके एग्जामिन कर लेंगे, आपको पेपर कैसा क्वेश्चन आ जाए, आपके मैप दिमाग में आपका आ गया, अब आपको हटा नहीं सकता। अब बात करते हैं आगे गंगा की नदी के बारे में। देखिए गंगा का जो सोर्स है वो हमने सुना कि भागीरथ गंगोत्री, ये सोर्स कहा गया है, और गंगोत्री से जब नदी जब अलकनंदा मिलती है, जहां पर हम उसको बोलते हैं, आपने सुना होगा देवप्रयाग के बारे में, जी हाँ देवप्रयाग से गंगा का नाम दिया गया है, जो ऋषिकेश हरिद्वार होते होते। अब देखो क्योंकि गंगा की भी ट्रिब्यूटरीज है, तो रामगंगा आपको मिल रही, ये रामगंगा नदी आपको दिख रही होंगी। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर आगे जब चलेंगे तो कानपुर, इलाहाबाद में यमुना आपको मिल रही है, अभी यमुना पे आऊंगा मैं। बनारस चलेंगे तो गोमती नदी, बनारस से आगे तो गाजीपुर पड़ता है, गोमती नदी मिलेगी, घाघरा, सोन आपकी नदी, देखिए सोन आपकी नदी आपकी आ रही है, दिख रहा होगा सबको। बिहार से चलेंगे आपका तो फिर मायूरक्षी, भागलपुर में आपको कोसी मिल रहा होगा। अब यही चीज वहां पर क्या नाम हो जाता है बांग्लादेश में, पद्मा, ध्यान सुनेगा, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से कहा आपका जाता है, ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं और गंगा को पद्मा बोलते हैं, फिर हुगली, तो इस तरीके से कई चीजें हैं जो बंगाल में मिलती है। मैं यमुना की बात करूं, देखिए यमुना का फ्लो हो रहा है हरियाणा, दिल्ली, मथुरा, आगरा, तो चंबल, चंबल जैसी, या चंबल सुना होगा, चंबल, जी हाँ बीहड़, तो चंबल नदी वहां बहती है वहां पर, तो चंबल नदी यमुना किनारे, फिर बाद में सिंध, फिर बेतवा, केन, ये तमाम नदियां हैं जो आगे चल के इलाहाबाद में इनका मिक्सचर हो जाता है, फिर ये ही नदियां आपका गंगा आके बनती हैं। तो आई होप सबको क्लियर होगा गंगा का रिवर सिस्टम के बारे में, किस तरह से गंगा, मैं कह रहा हूं कि ये नदियों को देख लो। जब मैं बात करता हूँ गोमती की, बात करता हूँ जब मैं घाघरा की बात करता हूँ, घाघरा से भी शारदा नदी, देखिए शारदा नदी उत्तराखंड से होते होते ही साइड टू साइड शारदा नदी है आपकी, राप्ती सुना होगा गोरखपुर के पास, राप्ती गंगा वहां से आती है घाघरा, गंडक सुना होगा, ये कुछ और नदियां हैं जो कोसी में आपकी मिलेंगी आपका, तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान दो। नेपाल से हो रही आ रही कोसी नदी, नेपाल के जरिए आ रही है आपकी, तो जब आप इनको देखोगे तो आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आपकी आएंगी। बात करते हैं आगे,
अब आपके सामने पंचप्रयाग, ये पंचप्रयाग जिसको हम चार धाम आपने सुना हो, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। तो हमें पता है कि यमुनोत्री का तो यमुना से रिलेटेड है, तो यमुना आपकी बहती है यहाँ से। गंगोत्री की मैं बात करता हूं तो गंगोत्री को वहां से स्टार्टिंग में भागीरथी नाम से कहा गया। देखिए भागीरथ, मंदाकिनी, आपको याद हो जब केदारनाथ में त्रासदी आई थी तो मंदाकिनी नदी का एक प्रचंड रूप आप सबने देखा था, जो बहुत बड़ी भयानक कंडीशन हुई थी केदारनाथ में, और किस तरीके से ये कहा गया। फिर बद्रीनाथ में देखिए एक जगह आ रहा है विष्णु प्रयाग, जो मैंने लिखा है ये क्या है, विष्णु प्रयाग, जहां पर धौली गंगा और अलकनंदा ये दो नदियां मिलती हैं, और इस जगह को हम क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग। थोड़ा और आगे चलेंगे तो अलकनंदा और नंद, और आपका यहाँ पर नंदकिनी, तो नंदकिनी यहाँ पर है, ये नदियां दिख रही होगी सबको। इसके बाद आपका बात करेंगे तो पिंडर गंगा, ये पिंडर गंगा बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, करण प्रयाग। फिर आगे थोड़ा चलेंगे तो आपको मिलेगा मंदाकिनी नदी और अलकनंदा, जो कहाँ मिल रही है, रुद्रप्रयाग पे, तो रुद्रप्रयाग मिल रही है। फिर भागीरथी और यहाँ पर अलकनंदा से जो नदी मिल रही है वो क्या बना रहा है आपका, गंगा। तो गंगा नदी का प्रभाव इस तरीके से आपका बन रहा है। आयु सबको क्लियर है गंगा के बारे में, बात करते हैं आगे। चलिए ये अद्भुत दृश्य है। अब आपको लग रहा होगा कि हम लॉकडाउन में कहीं जा नहीं पा रहे, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको ये इन सभी के दर्शन यहीं घर बैठे बैठे करा दी जाए। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, करण प्रयाग, प्रकृति का एक अद्भुत नजारा है, ये ही हमारा नेचर है, यही हमारा इंडिया कहते हैं, एक अद्भुत नजारा है। सोत, नदी का सूत्र, पानी का प्रभाव, एक स्वच्छ पानी का प्रभाव आपको दिख रहा हो, किससे से पानी मिल रहा है आपका, रुद्रप्रयाग, देव प्रयाग, करण प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ये तमाम सोत्र हैं और इन्हीं को से ये चीजें जानी जाती हैं। तो ये चीजें हैं जिसके बारे में मैंने आपसे कहा। बात करते हैं भागीरथी के बारे में, जैसे मैंने कहा भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से देव प्रयाग में जाके मिलते हैं, केदार गंगा, जंद गंगा, अस्सी गंगा, कुछ छोटी नदियां ट्रिब्यूटरीज हैं उसकी। फिर अलकनंदा की बात करें तो ग्लेशियर है, सतोपंत ग्लेशियर है, देवप्रयाग, धौली गंगा, नंदकिनी, पंदाकी, मंदाकिनी, भागीरथी, तो कई सारी चीजें उसके बेसिस साथ समझेंगे। गंगा, देवप्रयाग, बेव बंगाल, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, तो ये तमाम नदियां जो गंगा की क्या ट्यूबिटीज है, इसको नोट कर लीजिएगा, गंगा की ट्यूबिटीज है। क्वेश्चन क्या आता है कि इसमें से कौन सी नदी गंगा की ट्यूबिटीज नहीं है, क्वेश्चन आपका ये ऐसे आ सकता है। लंबाई, भारत सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो कौन सी, गंगा है, हिमालय रिवर पे इसको बनाया गया है। आगे बात करते हैं यमुना के बारे में, यमुना का जो सोर्स है हमने कहा यमुनोत्री ग्लेशियर कौन सा है, बंदेरपुछ, जो उत्तराखंड पे स्थित है, त्रिवेणी में आकर मिलती है, केन, बेतवा, हिंडन, मैं मैप में दिखा चुका हूं आपको, आपको याद होगा कि मैप में मैंने तमाम नदियों के बारे में बताया था, ये नदियां सारी मिल रही हैं। तो देखिए मैप का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, भारत की तीसरी बड़ी नदी है जिसकी लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है और हिमालय रिवर पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो चेमांग यंग डंग ग्लेशियर है इसका, ब्रह्मपुत्र का, और तिब्बतन प्लेटू से थ्रू आती कैलाश रेंज की तरह बे ऑफ बंगाल में जाती है। इसकी ट्रिब्यूटरी दिबांग, लोहित, मानस, तीस्ता, इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर टोटल लंबाई है ब्रह्मपुत्र की, जहां से शुरुआत हुई है वहां से जहां तक ये जाती है समुद्र तक, बे ऑफ बंगाल तक, वहां की हम बात करें तो क्योंकि इसकी लंबाई चाइना और तिब्बत में 1700 किलोमीटर है, 900 किलोमीटर भारत में है और 300 किलोमीटर कहां पर है, बांग्लादेश में है। ये एक ऐसी नदी है जो वर्ल्ड रिवर आइलैंड, क्या नाम है, मजलिस मजौली, जो असम पर स्थित है, वहां पर ये सबसे बड़ी रिवर है जो एक किसी आइलैंड के किनारे आपको मिलेगी। इंडस, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंधु नदी, मानसरोवर लेक तिब्बत, सो नोट कर लीजिएगा, ये देखिए इंपॉर्टेंट ये भी है, ऐसे क्वेश्चन आपको चार्ट में मिलेंगे तो आपको चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। अरेबियन सी, रवि, ब्यास, सतलज, झेलम, ये क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं। टोटल लंबाई क्या है, 3180 किलोमीटर। पाकिस्तान में, मैंने कहा पाकिस्तान की सबसे लंबी रिवर है और भारत की क्या लंबाई है, 1114 किलोमीटर, और हिमालय रिवर को कहा गया है। तो ये था गंगा के बारे में, इंडस के बारे में बता चुका हूँ किस तरीके से इंडस आपका जाता है, ये इंडस कहा गया है, यहां से होते हुए जाता है फिर अटॉक पाकिस्तान के अंदर चेनाब, रवि, सतलज, तमाम नदियां जो हैं, जो आपका, और मानसरोवर लेक जो है वो उसका एक सोर्स, जिसके जरिए आप उसको देख सकते हैं।
ब्रह्मपुत्र के बारे में क्वेश्चन होता था ब्रह्मपुत्र के ऊपर। ब्रह्मपुत्र के नाम अलग अलग हैं, आप हर देश में ब्रह्मपुत्र का नाम आपको अलग मिलेगा, भारत में भी अलग नाम है इसके। तो जब ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो सोर्स जो था वो तो हमने देखा था तजंगपो, तजंगपो बोलते हैं हिंदी इसको, वहां पर सोर्स प्यूरिफायर, तो वहां के प्लेटू से इसको निकाला गया है ब्रह्मपुत्र को। फिर चाइना में क्या है यारलुंग ज़ैंगबो ज़ियांग, इसके नाम से कहा जाता है। असम में क्या बोलते हैं स्यांग दिहांग, स्यांग बोलते हैं। अरुणाचल में दिहांग दिनांग या स्यांग, ठीक है जी। लुई डिलाओ सदिया कहां बोलते हैं इसको, असम में बोला जाता है, असम में इसको इस नाम से पहचाना जाता है। बांग्लादेश में क्या बोलते हैं जमुना, जो बाद में गंगा से मर्ज जाती क्या बोलता है पद्मा, फिर मेघना बन जाती है बाद में, मेघना नदी आपको मिलेगी यहाँ पर, देखिए मेघना नदी है ये जो दिख रहा है आपको मेघना, यहाँ पे मेघना के बाद में क्या बनती है मेघना। तो ये ब्रह्मपुत्र आपकी आ रही है, ये गंगा आपकी आ रही है, और बाद में ये मेघना बनके ये बे बंगाल में चली जाती है। क्लियर सबको यहाँ पे? चलिए बात करते हैं आगे, उसको मैप देख लीजिए एक बार दोबारा। ओके चलिए अब बात करते हैं गोदावरी के बारे में। गोदावरी को जिसको दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से कहा गया है, जी हाँ, ब्रह्मनागरी हिल्स में त्रिम्बक प्लेटू, जी हाँ त्रिम्बक पठार के नाम, त्रिम्बकेश्वर नाम सुना होगा आपने, एक जहां पर नासिक में कुंभ का मेला भी लगता है, अर्ध कुंभ मेला भी लगाया जाता है नासिक अंदर। किस किस राज्य से निकलती है, महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा, ट्रिब्यूटरी सामने है पैन गंगा वैन गंगा इंद्रवती परवाड़ा पूर्णजा मंजिरा। लंबाई कितनी है 1465 किलोमीटर है, और इस नदी को पेनिनसुलर पायदीप रिवर के नाम से कहा जाता है। कावेरी की बात करूं तो ब्रह्मगिरी हिल, जी हाँ ब्रह्मगिरी हिल के बारे में बात करता हूं। ब्रह्मगिरी हिल के सोर्स है वेस्टर्न घाट कर्नाटका तमिलनाडु, जी हाँ कावेरी जो है वो कर्नाटका और तमिलनाडु के इसमें आता है, जिसका ट्रिब्यूटरीज क्या है शिमशा हेमावती, और आपका यहाँ पर अगर कामिनी और अमरावती, ये तमाम चीजें जो हैं जिसके बारे में यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है जी। कृष्णा सागर डैम मैथु डैम बने हुए हैं, कृष्णा नदी महाबलेश्वर सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश ये तमाम राज्य हैं। पंचगंगा दूध गंगा मालप्रवाह घटप्रवाह, देखिए इंपॉर्टेंट ये गंगा नदी यार, तो कृष्णा का है ट्रिब्यूटरी, ध्यान सुनेगा, अगर गंगा का मतलब गंगा मत जोड़ दिएगा, देखिए गोदावरी में भी गंगा आ रहा है यहाँ भी गंगा आ रहा है, तो उसको गंगा मत जोड़ेगा, ये चीज अलग है आपका। इसकी लंबाई 400 किलोमीटर है, पेंसिल रिवर कहा जाता है। नागार्जुन डैम इस सागर डैम इस पे बना हुआ है कृष्णा नदी के ऊपर। अब बात करते हैं नर्मदा के बारे में। नर्मदा अमरकंटक हिल सुना होगा, एमपी में जगह है अमरकंटक हिल, जो छत्तीसगढ़ में चढ़ता है वहां इसका सोर्स है, इसके जरिए मध्य प्रदेश के और एमपी के बॉर्डर पे कहा जाए अरेबियन सी भारूच में जाकर, ये अरेबियन सी जो भारूच एक शहर है गुजरात में, वहां जाकर ये नदी आपकी चली जाती, वहां पर अरेबियन सी में मिल जाती है। ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है, हिरांग ओरसांग बारना कोलर, लंबाई 1312 किलोमीटर, लंबाई ध्यान रखिएगा 1312 किलोमीटर है आपकी नर्मदा की। सरदार सरोवर डैम सुना होगा, बहुत बड़ा डैम है, एमपी गुजरात और महाराष्ट्र तीन राज्य हैं जिसके लिए आपका सरदार सरोवर या फिर तीन राज्यों से होते हुए नर्मदा नदी आपकी जाती है। तापी की बात करूं तो तापी जब मैं कहता हूं ये सतपुरा रेंज, जो आपका सतपुरा के जंगल सुने होंगे आप लोगों ने, तो अरेबियन सी में जाती है। कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज है, वागुर अनेर गिरना 724 किलोमीटर इसकी लेंथ है, एमपी गुजरात के जरिए ये यहां पर बहती है। महानदी दंडकारण्य डिस्ट्रिक्ट रायपुर कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में ये नदी जाती है सोनौद हसदे मंद, और इसपे बड़ा डैम हीराकुंड डैम बना हुआ महानदी के ऊपर, सुना होगा आप सबने। तो महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ झारखंड उड़ीसा इन राज्यों से ये नदी आके जाती है महानदी। तो इस तरीके से तमाम चीजें हैं जो नदियों के बारे में बताया गया है। आई होप आपको यहाँ पर इंडियन रिवर सिस्टम क्लियर होगा तरीके से। मैं फिर कह रहा हूं मैप को देखते रहिए, क्योंकि मैप ही आपको भारतीय नदी के बारे में समझा सकता है, चाहे वो फिजिकल का हो या पॉलिटिकल का हो, इस मैप के जरिए आप चीजों को आसानी से समझ सकते हैं।
इस तरीके तमाम वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक भी करते रहिए। तो मैं आज सभी से विदा लेता हूं, धन्यवाद सभी लोगों का, जय हिंद।